खबर भरतपुर से है, जहां कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के निर्देश पर विभिन्न राज्यों में फंसे मजदूरों को उनके राज्य तक पहुंचाने के लिए बसें उपलब्ध करवाई जा रही हैं। प्रदेश कांग्रेस की ओर से विभिन्न राज्यों के बॉर्डर पर बस मंगवाई गई, लेकिन उन्हें उत्तर प्रदेश सीमा में घुसने नहीं दिया गया। मंगलवार को भी भरतपुर के नेशनल हाईवे स्थित ऊंचा नगला बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में निजी बस पहुंची। इस दौरान मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग और भजन लाल जाटव भी बॉर्डर एरिया में पहुंचे और हालात का जायजा लिया। तो आपको बता दें, श्रमिकों की घर वापसी को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पेशकश की थी, बसें उपलब्ध करवाने की बात कही थी, लेकिन अब गतिरोध देखने को मिल रहा है। यूपी बॉर्डर पर बसों को नहीं जाने दिया जा रहा है, एंट्री नहीं करने दी जा रही है। एक ओर जहां बसों की व्यवस्था की गई है, तो वहीं दूसरी ओर यूपी बॉर्डर को सील किया गया है। यूपी बॉर्डर में इन बसों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा फोनलाइन पर मौजूद है। जी सर, क्या कुछ अपडेट है? यहां से बसें गई हैं लेकिन बॉर्डर पर इंतजार कर रही है, उन्हें प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। देखिए आशीष, सबसे बड़ी बात यह कि बसों के आवागमन को लेकर एक बार फिर यूपी और कांग्रेस पार्टी आमने सामने हो गई है। यूपी सरकार का कहना है कि जो प्रियंका गांधी ने बसें रवाना की थी, वो बसें कहां पर है, कहां खड़ी है। दूसरी ओर कांग्रेस नेताओं का लगातार इस बात को लेकर कहना है कि बसें जो है आगरा बॉर्डर पर खड़ी है जी, और गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी है, तो कहीं ना कहीं उनको लिया जाए। पहले उन्होंने सूची मांगी कि पहले बसों की सूची दी जाए, फिर उनको बॉर्डर में प्रवेश किया जाएगा। अब बसों को रोक रखा है और वहां पर इन बसों को लेकर विवाद भी हो रहा है। वहीं जयपुर से बात करें तो राजस्थान से जो भरतपुर बॉर्डर से होती बसें गई थी, उनको भी रोक रखा है। उनमें हजारों की संख्या मजदूर फंसे हुए हैं। लगातार जो स्थानीय पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन है उनका, और बीजेपी जो यूपी माफ कीजिएगा यूपी जो प्रशासन है, उनके बीच टकराव की स्थिति तक हो रही है। तो ऐसी स्थिति में सरकारों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो टकराव है इसको रोका जाए, क्योंकि कांग्रेस की जो प्रियंका गांधी है नेता, उन्होंने कहा था कि मजदूरों को परेशानी नहीं हो, इसलिए 1000 बसें वो देने को तैयार है। लेकिन अब इस पर राजनीति कहीं ना कहीं ज्यादा गर्मा गई है, और इस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर यूपी के जो मुख्यमंत्री है उनसे अपील की है कि जो बसें सीमाओं पर खड़ी है उनको प्रवेश दिया जाए, क्योंकि ये संकट का दौर है और इस संकट के दौर में किसी भी तरह की राजनीति करना उचित नहीं है, भले ही वो राजनीति कोई भी कर रहा हो, क्योंकि जनता सब जानती है, श्रमिक सब समझ रहे हैं, जो खड़े हैं, जो इंतजार कर रहे हैं, जो श्रमिक यहाँ से जितने उत्साह से गए थे जी, विभिन्न जो जिलों से गए थे, वो उनका उत्साह सारा सीमा पर जाकर, बॉर्डर पर जाकर चूर चूर हो गया, क्योंकि अब उन्हें प्रवेश नहीं मिल रहा। उन्हें उनके ही राज्य में घुसने से पहले रोक दिया गया है, और वहां पर यूपी और राजस्थान प्रशासन के बीच में भी टकराव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में सीएम ने ट्वीट किया है और कहा है कि यूपी सरकार अनुमति देवे, मजदूरों को प्रवेश देवे, जो बसें खड़ी हैं उनको उनको जाने देवे, जिससे श्रमिक अपने सुरक्षित तरीके से अपने घर पहुंच सके, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का इसके पीछे जो सोच है वो श्रमिकों की परेशानी को दूर करना है। राजस्थान सरकार लगातार अपनी बसें लगातार भेज रही है, तो कहीं ना कहीं जो टकराव की स्थिति है उसको टालना चाहिए। और सीएम योगी ने भी कहा है कि उन्होंने अनुमति दे दी है, लेकिन हमारे पास सूची नहीं आई है। कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है उनका कहना कि नहीं, हमने सूची भी दे दी है और बसें खड़ी है, आप जो आपकी सूची में नहीं है उन बसों को उनको रोक दीजिए, लेकिन जो खड़ी है उनको तो प्रवेश दीजिए। तो कहीं ना कहीं देखिए, समझना पड़ेगा, इसमें अभी जो समय है टकराव का नहीं है, ये समय लोगों की मदद करने का है। जो मजदूर बेचारा कई किलोमीटर पैदल चला है, सर पे वजन लेके डोक के चला है, वो जिनको बसों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है, तो उनको प्रवेश दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो अपने गांव जाने के लिए, अपने घर जाने के लिए ही बॉर्डर तक गया है। ऐसे में सरकार को सहृदयता दिखानी चाहिए और उनको प्रवेश देना चाहिए। आशीष, बिल्कुल नीरज जी, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो एक और सामने नजर आ रही है कि इतनी बड़ी संख्या में बसें एक ही स्थान पर बॉर्डर पर रोकी गई हैं, तो ऐसे में जो मजदूरों की संख्या है एक ही स्थान पर बहुत अधिक हो जाएगी और कोरोना संक्रमण भी फैल सकता है, बड़ा चैलेंज प्रशासन के लिए होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये बड़ी समस्या हो गई है। राजस्थान सरकार ने भी लगातार यहाँ से बसें रवाना की है, राजस्थान सरकार की तरफ से जी, प्रियंका गांधी के निर्देश पर कांग्रेस पार्टी ने भी बसें रवाना की है।
तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर बड़ी संख्या में मजदूर भी एकत्रित हो गए, बसें भी खड़ी है और अब वहां प्रवेश नहीं दिया जाना बड़ा गंभीर विषय है। कल भी वहां पर जो है राजस्थान सरकार के कई मंत्री पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे और किसी न किसी तरह से समझाइश का प्रयास किया था कि ये आपके श्रमिक है, आपके प्रदेश के श्रमिक है, इनको प्रवेश करने दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने सरकार के जो आला अधिकारी थे, अफसर थे, मंत्री थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिकार नहीं है, आप पहले जो है सूची भेजिए कितनी बसें हैं, कौन सी बसें हैं, किस नंबर की है। अब उनकी फिटनेस चेक करने की बात हो रही है। आशीष, सबसे बड़ी बात है कि इस समय फिटनेस चेक करने की, जब ये संकट का दौर है, इस समय सबसे पहला काम होना चाहिए राहत देने का कि जो मजदूर श्रमिक परेशान है उसको राहत दी जाए। क्योंकि यदि यहाँ बॉर्डर पर बड़ी संख्या में श्रमिक होंगे, एक साथ इकट्ठे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो मरने मारने पर उतारू हो रहे हैं, क्योंकि वो जाना चाहते हैं अपने घर पे, उनको कोई रोक नहीं सकता। तो ऐसे में संक्रमण फैलने का डर बहुत ज्यादा है। आपने सही सवाल किया कि संक्रमण फैलने का डर है, ऐसे में सरकार को चाहिए, क्योंकि आगे पीछे प्रवेश तो देना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि जो यूपी के लोग हैं या राजस्थान के लोग हैं या बाहर से जो लोग आए हैं उनको अपने अपने राज्य में प्रवेश सरकारों को देना पड़ेगा। तो ऐसे में सरकार को इसका थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और उनको प्रवेश देना चाहिए। टकराव की जो राजनीति हो रही है उसको दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये समय राजनीति करने का नहीं है, ये समय अभी लोगों की मदद करने का। आशीष जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज मेहरा, जिन्होंने अपडेट दी किस प्रकार से वहां पर यूपी बॉर्डर पर बसें खड़ी हैं, लेकिन गतिरोध के चलते बसों को यूपी बॉर्डर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। खबर है राजधानी से, जहां राजस्थान में गाइडलाइन 4 की